नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हरियाणा के 22 जेलों की कोरोना की नई रिपोर्ट को लेकर। हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 62,382 पर पहुंचा तो सीएम की तबीयत में भी हो रहा सुधार। प्रदेश में 24 घंटों में 1,295 नए केस, तो 12 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। 909 मरीज ठीक होकर लौटे घर, तो अब तक 51,620 लोगों ने कोरोना से पाई निजात। अभी तक 682 मरीजों को हो चुकी है कोरोना की वजह से मौत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। मेदांता हॉस्पिटल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सीएम अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में सक्रिय रहते हैं। वहीं रविवार को 1,295 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 63,282 पर पहुंच गई है। हालांकि 909 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जिससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 51,620 पर पहुंचा है। अभी भी प्रदेश में 10,980 मरीजों का इलाज जारी है, तो वहीं पर 12 मरीजों की मौत होगी, जबकि 237 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक है। 204 की सांसें ऑक्सीजन पर, 32 वेंटिलेटर पर अभी भी जंग लड़ रहे हैं। रविवार को 22 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 125 केस आए हैं, करनाल में 121, अंबाला में 120, फरीदाबाद में 119, यमुनानगर में 85, पानीपत में 84, पंचकुला में 77, हिसार में 68, कुरुक्षेत्र में 57, फतेहाबाद में 56, रेवाड़ी में 54, महेंद्रगढ़ सिरसा में भी 52 केस आए हैं, जींद में 47, सोनीपत रोहतक में 40, कैथल में 29, भिवानी में 26, झज्जर में 22, पलवल में 16, चरखी दादरी में 3 और नूह में 1 संक्रमित मिला है। साथ ही ठीक होने वालों का जिक्र करें तो पंचकुला से 143 डिस्चार्ज हुए, फरीदाबाद से 118, गुरुग्राम से 87, करनाल से 75, अंबाला से 68, रोहतक से 48, पानीपत से 46, सोनीपत से 44, रेवाड़ी हिसार से 42, भिवानी से 40, महेंद्रगढ़ से 30, चरखी दादरी से 29, कुरुक्षेत्र से 28, कैथल से 27, पलवल से 13, फतेहाबाद से 12, झज्जर से 8, सिरसा से 6, नौ से 3 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्धों के सैंपल लेने का आंकड़ा 11,30,073 पर पहुंच गया, जिनमें से 10,60,143 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जबकि 6,648 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट भी 5.63% पर पहुंच गया, जबकि रिकवरी रेट 81.57% पर स्थिर है, जबकि मामलों के दोगुने होने की अवधि 34 दिन पर पहुंची है। प्रदेश में अभी तक कुल 682 मरीजों की मौत हुई, इनमें से 481 पुरुष, 201 महिलाएं शामिल हैं। अभी तक फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा है वो सामने आया है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क रखें सबसे ज़रूरी है। आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि सबसे बढ़िया समझदारी यही होती है कि आप अपने आपका अपने परिवार का ख्याल रखें। मगर अच्छी बात है कि हरियाणा में लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, यही वजह है कि हरियाणा के तमाम जिले हैं वहां पर कोरोना की मार कम हो गई है। हालांकि चरखी दादरी में पिछले 4 दिनों से कोई केस नहीं था, लेकिन कल 3 केस आने के बाद यहाँ पर अब एक्टिव केसेज 54 रह गए हैं। इसके अलावा 75 मरीजों का इलाज अभी भी नूह में जारी है और 84 का इलाज पलवल में जारी है। रिकवरी रेट के मायनों में गुरुग्राम, फरीदाबाद बहुत अच्छे हैं, सोनीपत, रिवाड़ी, अंबाला का रिकवरी रेट भी अच्छा है, और जहां तक झज्जर की बात करें यहां का रिकवरी रेट भी अच्छा है और चरखी दादरी का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो अब फिलहाल हरियाणा की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। आप सभी से गुजारिश करते हैं आप तमाम नियमों की पालना करें। फिलहाल हरियाणा में किसी तरीके का कोई भी लॉकडाउन नहीं है, आप जहां जाएं जा आ सकते हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, कमेंट्स दिया करें, आपके राय बहुत ज़रूरी है, और आप सबका दिन शुभ रहे यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।